दोस्तों नमस्कार, मैं मार्गेश, आप देख रहे हैं फ्लूट गुरुजी। स्वागत है दोस्तों आपका आज फ्लूट गुरुजी के एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों एक सवाल जो हमको पूछा है हरीश जी ने। हरीश जी पूछते हैं कि क्या हम लोकल फ्लूट पर बजाना सीख सकते हैं या फिर जरूरी है कि आप प्रोफेशनल फ्लूट ही खरीदे बांसुरी सीखने के लिए। तो सिंपल आंसर है हरीश जी इसका, दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है, लोकल फ्लूट से आपका क्या कहना है। लोकल फ्लूट ये भी होती है कि आपके एरिया में आपको मिल जाए कोई फ्लूट और वो ब्रांडेड नहीं है पर वो बहुत अच्छी फ्लूट है, क्योंकि क्या है, लोकल फ्लूट्स भी अच्छी हो सकती है। हमारा पॉइंट ये होता है कि प्रोफेशनल फ्लूट आप खरीदें, यानी कि एक अच्छी वेलट्यून बांसुरी खरीदिए और एक अच्छे बाम्बू क्वालिटी की बांसुरी वो होनी चाहिए। अगर ये दो गुण उस बांसुरी में है तो आप वो बांसुरी खरीद सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, लोकल फ्लूट्स भी अच्छी होती है, बस आप अच्छी वेलट्यून बांसुरी खरीदिए, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट ये आता है, अगर हम ऐसी लोकल फ्लूट खरीदते हैं जो ट्यूनिंग में नहीं है, यानी कि वो प्रोफेशनल फ्लूट नहीं है, तो क्या होगा, आपके बजाने में ये होगा कि आपकी ईयर ट्रेनिंग नहीं होगी सही से और आपको जो ट्यून है या जो सुर लगने चाहिए हमारे वो आप प्रॉपर लगा नहीं पाएंगे, तो आपका स्वर ज्ञान जो है वो भी खराब हो जाता है, राइट। तो आपको सुर अच्छे से लगे और आपका ईयर ट्रेनिंग प्रॉपर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वेल ट्यून बांसुरी खरीदिए। तो कोई ब्रांडेड फ्लूट ले सकते हैं आप जो कि एक प्रोफेशनली मेड फ्लूट है, या फिर एक लोकल फ्लूट भी अगर आप लेते हैं तो वो अच्छी वेल ट्यून्ड ही होनी चाहिए। तो आपको ये दो बातों का ध्यान रखना है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।